जय द्वारकाधीश दोस्तों। तो मैं हूं अभी मौजूद गोमती नदी के किनारे मौजूद, या फिर कह सकते हो अरब सागर के किनारे मौजूद सप्तपुरी में से एक पुरी और चार धामों में से एक धाम यानी द्वारकाधीश नगरी द्वारका में। तो स्वागत है आप सभी का द्वारका में। आप इधर दूर दूर तक फैला हुआ रेत देख रहे होंगे क्योंकि मैं भी आ चुका हूँ समुद्र किनारे। इसको बोला जाता है द्वारका बीच और खूबसूरती देखिए, देख रहे हैं कितना खूबसूरत ये बीच है। तो कल बस जर्नी करके मैं अहमदाबाद से पहुंचा था द्वारका, और आज का दिन मैंने पूरा रखा हुआ था द्वारका घूमने के लिए। तो सोचा कि क्यों ना जब मैं खुद द्वारका घूम रहा हूं तो आप लोगों को भी घुमाऊं, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे आप द्वारका पहुंच सकते हैं, द्वारका में आप कहां रुक सकते हैं, क्या क्या चीज़ द्वारका में घूमने लायक है, कौन कौन से मंदिर यहां पे मौजूद हैं। तो सोचा कि आपको भी द्वारका का पूरा ट्रिप करवा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आप द्वारका कैसे पहुंच सकते हैं। तो देखिए बाय बस, बाय फ्लाइट और बाय ट्रेन तीनों मोड से द्वारका जो है ना वो वेल कनेक्टेड है। अगर आप बाय बस आना चाहते हैं तो गुजरात के ऑलमोस्ट सभी रीजन से यहाँ के लिए बस ऑपरेट होती है। उसके अलावा अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो द्वारका में रेलवे स्टेशन भी मौजूद है, जहाँ पे आप इंडिया के काफी सारे शहरों से पहुंच सकते हैं। और अगर आपके शहर से यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं है तो आप पहले अहमदाबाद आ सकते हैं और फिर उसके बाद द्वारका आ सकते हैं। वैसे आपको बता दूं अहमदाबाद से रिसेंटली द्वारका के लिए वंदे भारत जैसी लग्जरी ट्रेन भी शुरू हो चुकी है। बाई फ्लाइट अगर यहाँ आने की बात करें तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है जामनगर। अब बात करते हैं कि द्वारका में आके आप कहाँ कहाँ पे रुक सकते हैं। तो आपको बता दूं वैसे तो द्वारका में होटल्स की, होम स्टे की, गेस्ट हाउस की, धर्मशाला की कोई कमी नहीं है, लेकिन बजटेड स्टे ढूंढना ना यहाँ पे अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। कल मेरे साथ में एक कोर ट्रेवलर थे जो अहमदाबाद से मेरे साथ द्वारका तक आए थे, तो उन्होंने मुझे एक ऐसी जगह के बारे में बताया जो काफी शानदार भी थी और बजटेड भी थी, और वो जगह थी रामानंदीय भवन, जो कि भद्रकाली चौक पड़ता है द्वारका में, उसके जस्ट नजदीक में ही मौजूद थी। काफी साफ सुथरे रूम वहाँ पे मौजूद थे, वॉशरूम काफी साफ सुथरे थे, एसी नॉन एसी दोनों टाइप के रूम वहाँ पे अवेलेबल थे। और आपको बता दूं नॉन एसी रूम की जो कॉस्टिंग मुझे वहाँ पे पड़ी थी वो थी करीबन 600 रुपए। अगर आप ऑनलाइन भी पूरे द्वारका में कहीं रूम सर्च करोगे ना, आपको 600 रुपए में रूम नहीं मिलने वाला। 600 तो छोड़ो, आपको 1500 से कोई कम का रूम नहीं मिलने वाला, और जो अच्छी कैटेगरी के रूम है वो आपको कम से कम 2 से 2500 रुपए में मिलेंगे। तो मुझे काफी अच्छा और बजटेड स्टे मेरे कोर ट्रेवलर की तरफ से मिल गया था, हंसा बहन उनका नाम था। थैंक यू हंसा बहन, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मुझे इतना अच्छा स्टे यहाँ पे बताने के लिए। लेकिन आपको बता दूंगी ये जो स्टे है ना वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दे दूंगा, आप कॉल करके डायरेक्ट बुकिंग कर सकते हैं या फिर वहाँ पे डायरेक्ट पहुंच के भी रूम की बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि उस टाइम पे रूम अवेलेबल है या फिर नहीं है। ये देख लीजिए, ये उनका कार्ड भी यहाँ पे मैं आपको दिखाया था, तो ये उनका कार्ड है, यहाँ पे नीचे नंबर भी मेंशन है। तो अगर आप द्वारका में आ रहे हैं तो बेझिझक यहाँ पे रुक सकते हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे कि द्वारका आके आप कहाँ कहाँ पे घूम सकते हैं। तो देखिए द्वारका में काफी सारे मंदिर घूमने लायक हैं, काफी सारे प्लेसेस यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। तो देख लीजिए ये कुछ मंदिर और प्लेसेस हैं जो द्वारका में आप विजिट कर सकते हैं। जैसे द्वारका शहर के अंदर देखने के लिए ये कुछ मंदिर मौजूद हैं, जैसे कि द्वारकाधीश मंदिर, सिद्धनाथ महादेव, बटकेश्वर महादेव, गीता मंदिर, गायत्री मंदिर, सनसेट पॉइंट और त्रिलोक आर्ट गैलरी। उसके अलावा द्वारका के पास में यानी कुछ किलोमीटर्स पे कुछ और मंदिर मौजूद हैं, जैसे कि नागेश्वर महादेव जो कि शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। उसके बाद गोपी तालाब, बेट द्वारका, रुक्मणी मंदिर, शिवराजपुर बीच और मोमई मंदिर। तो इन सभी महत्वपूर्ण मंदिर और प्लेसेस में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण मंदिर है वो है द्वारका में स्थित द्वारकाधीश का मंदिर, जो आप मेरे पीछे यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। मैं ऑलरेडी वहाँ पे सुबह दर्शन करके आ चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पे फोन अलाउ नहीं होता है इसलिए वो मैं आपको अंदर से नहीं दिखा सकता हूँ। तो सुबह 6 बजे उठ के मैं वहाँ पर दर्शन करके आ गया था, दर्शन करने में मुझे करीबन 1 घंटा लगा था। वैसे आपको बता दूँ 6:30 बजे आरती भी होती है, और क्योंकि थोड़ी सी भीड़ थी उस वजह से आरती तो हम नहीं देख पाए, लेकिन दर्शन अच्छे खासे हो गए थे। बाकी आपको मंदिर की टाइमिंग के बारे में बता दूँ, सुबह 6:30 बजे से 1 बजे तक ये मंदिर ओपन रहता है, उसके बाद 1 से 5 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाता है, फिर 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक मंदिर खुला रहता है। तो जब भी दर्शन करने आप आ रहे हैं तो ये टाइमिंग थोड़ी सी ध्यान में रखिए। तो चलिए ट्रिप की समरी मैंने आपको सारी बता दी है, अब बारी है द्वारका का टूर करने की। सबसे पहला जैसे मैंने आपको बताया द्वारकाधीश मंदिर है, जहाँ पे हम कैमरा लेके नहीं जा सकते, इसलिए उसके दर्शन में आपको अंदर से तो नहीं करवा सकते, इसलिए बाहर बाहर से दर्शन द्वारकाधीश मंदिर के मैंने आपको करवा दिए हैं। तो चलिए सबसे पहले कोशिश करेंगे कि द्वारका के 12 से 15 किलोमीटर के रेडियस में जो पहले लोकेशन है ना उनको कवर कर लिया जाए, क्योंकि आसपास जितने मंदिर हैं वो तो हम शाम के टाइम पे भी घूम सकते हैं, दूर वाली चीज थोड़ी सी कवर कर लेते हैं पहले। और बाकी यार ये बीच देखिए यार, सच में यार कितना ज्यादा सुंदर है, देख रहे हैं लोग नहा भी रहे हैं बीच में, हालांकि बहुत अंदर तक जाके नहीं नहाना चाहिए, थोड़ा सा
प्रॉब्लमेटिक भी वो हो सकता है। बाकी उधर देखिए, उधर सामने आपको दिखाई दे रहा होगा द्वारका का लाइट हाउस, द्वारकाधीश मंदिर, और ये है वो पुल जिसको क्रॉस करके आप इस बीच वाली साइड पे आ सकते हैं। हालांकि जो ब्रिज है अभी वो बंद पड़ा हुआ है, तो गोमती नदी को क्रॉस करके, पैरों से क्रॉस करके आपको यहाँ पे आना पड़ता है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, घुटने घुटने तक पानी रहता है। इवन ऊँट भी रहते हैं, ऊँट पर सवारी करके भी आप नदी को क्रॉस कर सकते हैं। और बाकी जैसे आप बीच पे पहुँचते हैं, यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि एटीवी राइड आपको देखने को मिल जाएगी। एटीवी राइड ही बोलते हैं शायद, एटीवी स्कूटर बोलते हैं इसको। तो इस बीच पे उसमें भी जर्नी करके आप इंजॉय कर सकते हैं, जिसकी जो कॉस्टिंग रहती है वो रहती है 100 रुपये पर पर्सन की। और बाकी इससे पहले मैं टूर पे लिख लूँ, आपको वो लोकेशन दिखा देता हूँ जहाँ पे अरब सागर यानी अरेबियन सी और गोमती नदी का संगम होता है। तो देख लीजिए, ये वो पॉइंट है, ये रहा पूरा अरेबियन सी, ये रही यहाँ पे गोमती रिवर, और दोनों का संगम होता है यहाँ पे। देखिए भाई साहब क्या शानदार नज़ारा देख रहे हैं। और देखिए नदी किनारे आप ये जो एरिया देख रहे हैं ना, इसको बोला जाता है गोमती घाट। तो देख लीजिए, ये है मंदिर के पास मौजूद लॉकर रूम, जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना सामान वगैरह जमा करवा सकते। तो ये मेरे पीछे जो चौक है, इसको ही बोला जाता है तीन बत्ती चौक। यहाँ से सीधा रास्ता जा रहा है द्वारकाधीश मंदिर के लिए, हालांकि अंदर गलियों में थोड़ा मुड़ना पड़ता है। किसी से भी पूछते हुए जाओगे तो आराम से पहुँच जाओगे। और यहीं से आगे पड़ता है भद्रकाली चौक, जहाँ पे मैं रुका था ना रामानंदीय भवन में, तो वो भद्रकाली चौक के पास में मौजूद है। और यही सीधा रास्ता यहाँ से निकल जाता है बस स्टैंड की तरफ। तो देख लीजिए, अभी मैं आ गया हूँ स्कूटी रेंट वाले ऑफिस पे, जेबी ट्रेवल के नाम से ऑफिस है, भद्रकाली रोड पे मौजूद है। ये देख लीजिए, ये कुछ एरिया है भद्रकाली चौक, यहाँ पे आगे मौजूद है। तो चलिए एक बार जानते हैं कि भाई स्कूटी के रेट वगैरह यहाँ पे क्या क्या है। हेलो भैया, क्या हाल है? तो भैया से मैं ऑलरेडी बात करके चले गया था, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए एक बार मैंने कहा चलो दोबारा से पूछ लेते हैं। अच्छा, स्कूटी का रेंट क्या है? अच्छा, पर डे का। और अच्छा, बाइक भी मिलती है 700 रुपये। अच्छा, फ्यूल अलग से रहता है। और टाइमिंग क्या रहती है? टाइमिंग सुबह से रात को 9 बजे, 9-10 बजे तक होता है। अच्छा अच्छा, आपका कोई कार्ड है जो आप दिखा सकते हैं, नंबर वगैरह कुछ हो जिसमें? तो देख लीजिए भाई, ये कुछ कार्ड है जेबी ट्रेवल के नाम से, यहाँ पे भैया का नंबर मेंशन है। तो द्वारका में अगर आप आ रहे हैं, स्कूटी वगैरह रेंट करना चाहते हैं, बाइक रेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ से रेंट आप कर सकते हैं। अहमदाबाद में भी रेंट हो जाएगा। अच्छा, अहमदाबाद में भी हो जाता है? पीछे अहमदाबाद ऑफिस का नंबर दिया हुआ है। अच्छा, अहमदाबाद में भी ऑफिस है आपका। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए जी, स्कूटी रेंट पर ले लिया। सबसे पहली लोकेशन जहाँ पे अभी मैं निकल रहा वो है रुक्मणी देवी मंदिर। बाकी देख लीजिए, ये कुछ अपनी स्कूटी है एक्टिवा, ये देखिए। तो देखिए, घूम तो मैं बस में भी सकता था, लेकिन बस की एक स्पेसिफिक टाइमिंग होती है, सुबह सुबह निकलती है, जो मेरे से मिस हो गई थी। तो यहाँ पे हमारे साथ एक सर मौजूद हैं, जिनका यहाँ पे एक ऑफिस है द्वारका टूर्स एंड ट्रेवल के नाम से। अच्छा सर, एक चीज बताइए, आपके यहाँ से बस ऑपरेट होती है ना, जो पूरे द्वारका के दर्शन करवाती है? कौन कौन से मंदिर के दर्शन करवाती है वो? अच्छा अच्छा, ये सारी जो लोकेशन नीचे मेंशन है सारी घुमाती है। तो देख लीजिए, सारी लोकेशन है जिसका टूर पूरा बस करवाती है। और कितने रुपए चार्ज करती है बस? अच्छा, उसमें एसी नॉन एसी दोनों टाइप की सर्विस है? अच्छा, और कितने बजे रवाना होती है यहाँ से? अच्छा, और ये लोकेशन क्या है आपकी? अच्छा, भद्रकाली चौक पे ही है। उसके अलावा ऑटो में जा सकता था, लेकिन ऑटो में चार्ज काफी ज्यादा 1800 रुपए। तो अगर पूरा ग्रुप है, पूरी फैमिली है, तो ऑटो में जाना बनता है, अदरवाइज फिर तो स्कूटी ठीक है, क्योंकि 500 रुपए में मिल जाती है और जहाँ मन करे वहाँ रोक भी सकते हैं। तो मैं पहुंच जाता हूं रुक्मणी देवी मंदिर, जो कि भगवान कृष्ण की प्रमुख पत्नी रुक्मणी जी को समर्पित है, जिन्हें माता लक्ष्मी जी का अवतार भी माना जाता है। तो जी, मंदिर तो फिलहाल बंद है, और मैंने कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि भोग लगाने का कार्यक्रम अभी चल रहा है, और कितनी देर में मंदिर खुलेगा उसका कुछ आइडिया नहीं है। और क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, शाम तक मुझे मैक्सिमम डेस्टिनेशन कवर करनी है, तो इसलिए मैंने सोच लिया कि दर्शन अपनी किस्मत में नहीं है। कोई बात नहीं, अगली बार कभी आएंगे तो रुक्मणी माता जी के भी दर्शन कर लेंगे। लेकिन मंदिर काफ़ी सुंदर बना रखा, और खासकर मंदिर पर जो नक्काशी वगैरह है ना, बहुत ज़्यादा शानदार लग रही है। तो चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो हमारी रहने वाली है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। तो भाई, करीबन 17 किलोमीटर स्कूटी राइड करने के बाद मैं अभी पहुंच गया हूं नागेश्वर वन। नागेश्वर मंदिर जाते टाइम बीच में ये वन मौजूद था, मतलब कोई गार्डन है, काफ़ी खूबसूरत मुझे लगा। और आप देखोगे ना, काफ़ी गाड़ियां यहां पर रुकी हुई है, तो मैंने कहा चलो एक बार गार्डन भी देख लेते हैं। और नागेश्वर मंदिर की बात करें तो यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर ही नागेश्वर मंदिर मौजूद है, यहाँ से शिव जी की मूर्ति मुझे नज़र आ रही है। बाकी एरिया देख लीजिए, ऐसा कुछ एरिया, हाँ जो रोड है ना यार, काफ़ी ख़राब है यार, गवर्नमेंट को इस चीज़ पर थोड़े से ध्यान देने की ज़रूरत है। मेन मंदिर में आने का रास्ता है द्वारका से, और रोड यार सही में यार मज़े नहीं आए।
बीच बीच में तो ऐसी रोड पे ना दरारें हैं, उसमें लगता है कि स्कूटी फंस जाएगी तो यहाँ कहीं गिर ना जाए, बड़ा डर सा लग रहा था चलाते टाइम। चलो कोई बात नहीं, जैसे तैसे यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो देख लीजिए ऐसा कुछ है, वन या फिर पार्क इसको बोल सकते हो। यहाँ पे देखिए शंख बना हुआ है और यहाँ पे ना काफ़ी सारी फोटो आपको नज़र आ रही होगी। कुछ गुजराती लोग थे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि काफ़ी सारे क्षेत्रों में ना, मतलब गुजरात के क्षेत्रों में इस टाइप के वन बनाए गए हैं और देखिए वो सारे यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। बाकी देख लीजिए सामने भगवान की आपको प्रतिमा नज़र आ जाएंगी जिन्होंने चक्र धारण यहाँ पे करा हुआ है। तो गार्डन तो काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है यार, ये देखिए काफ़ी सुंदर प्रतिमा बनाई हुई है। बाकी देखो बच्चों के झूले वगैरह यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे और यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा जंगल का राजा शेर, वो देखिए। और गूगल भी ना कभी कभी खेल ही कर देता है, नागेश्वर वन से हार्डली यार 100 मीटर भी मंदिर नहीं होगा, 1 किलोमीटर दिखा रहा था। चलो कोई बात नहीं, नागेश्वर मंदिर पहुंच गए। ये मेरे पीछे आप जो मंदिर देख रहे हैं ये है नागेश्वर मंदिर, ये देख लीजिए ये है नागेश्वर मंदिर और यहाँ पे मौजूद है विशालकाय भगवान शिव की प्रतिमा जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और इसी मंदिर में दर्शन के साथ मेरे 5 ज्योतिर्लिंग दर्शन कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले मैंने 4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे हैं, जैसे कि केदारनाथ, त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन और रामेश्वरम। और दर्शन की लाइन में इतनी ज़्यादा भसड़ हो रखी है ना मेन गेट पर भाई, बहुत ज़्यादा देख रहे हो भाई लोग कैसे टूट के पड़ रहे हैं। छोटा सा गेट है और एंट्री करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए कोई नहीं, फाइनली अंदर आ गए हैं। लाइन में देख लीजिए ऐसा कुछ माहौल है यहाँ पे। और बाकी देखो इधर मौजूद हैं श्री नंदी बैल और सबने ना नंदी बैल को घेर लिया, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि भाई नंदी बैल जी का ना एक कान बंद करके दूसरे कान में अगर विश मांगो तो वो पूरी हो जाती है, तो भाई लोगों का बिल्कुल तांता लगा हुआ है। और बाकी देख लीजिए यहाँ पे माता की एक प्रतिमा मौजूद है और उसके अलावा शिव शंकर जी का एक त्रिशूल और डमरू भी यहाँ पे मौजूद है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में ना। और बाकी देख लीजिए ऐसा कुछ है ये पूरा मंदिर अंदर से देखने में। बाकी फर्श इतना यहाँ पे गर्म हो रहा है ना, ये देखिए पानी का छिड़काव कंटिन्यूसली चल रहा है, वो देखिए पीछे, तब जाके भाई भक्त जन जो है ना वो आराम से चल पा रहे हैं, नहीं तो पानी ना होना तो भाई सब हालत ख़राब हो जाती है बिल्कुल। क्योंकि जब स्टार्टिंग में आया था ना मंदिर में तो ये पानी का छिड़काव उस टाइम पे नहीं हो रहा था तो भाई जल गए थे पैर पूरे के पूरे। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन कर लिए, दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए। चलिए अब आगे यहाँ से निकलते हैं अगली डेस्टिनेशन की तरफ जो है गोपी तालाब, और वहाँ की जो हिस्ट्री है ना वो वहीं पहुँच के आपको बताऊँगा, और वो करीबन यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है। तो जी मैं अभी पहुंच गया हूं गोपी तालाब, और जैसे ही आप गोपी तालाब पहुंचते हो ना सबसे पहला मंदिर यहां पे आपको जो देखने को मिलता है वो है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर गोलक धाम, ये देखिए। और इसके अंदर काफ़ी सारी देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं, वहां पे देखिए आपको मेंशन भी करा हुआ, देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर किन किन भगवान की प्रतिमाएँ यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर मैंने दर्शन कर लिए और वहाँ आगे मौजूद है गोपी तालाब रुक्मणी मंदिर, तो चलिए वहाँ पे चलते हैं और एक बार वहाँ पे भी दर्शन करते हैं। बाकी देखिए खाने पीने की भी अच्छी खासी दुकानें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे, ये देखिए लाइन से भाई खाने पीने की दुकानें यहाँ पे लगी है। नारियल पानी मिल रहा है, छाछ मिल रही है, खाना वाना मिल रहा है, बाकी उधर प्रसाद वगैरह आप ले सकते हैं। तो देखिए ये दूसरा मंदिर यहाँ पे मौजूद है रुक्मणी माता का और श्री लड्डू गोपाल का, अंदर दर्शन मैंने कर लिए हैं, फोटोग्राफी वगैरह दोनों मंदिर में अलाउ नहीं थी इसलिए मैंने खींचने की कोशिश नहीं करी है। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और गोपी तालाब की तरफ चलते हैं। और बाकी देख लीजिए ये है गोपी की मेन अट्रैक्शन यानी गोपी तालाब, एक्चुअली गोपी इस विलेज का नाम भी है और इसको बोला जाता है गोपी तालाब। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने यहाँ पे भी गोपियों के साथ में रासलीला रचाई थी, तो इसी वजह से इसको गोपी तालाब बोला जाता है। और ऐसा माना भी जाता है कि इसके अंदर जो मिट्टी निकलती है ना उसको गोपी चंदन बोला जाता है, जिसको काफ़ी पवित्र कहा जाता है, और यहाँ की आसपास की दुकानों पर ना वो गोपी चंदन मिल भी रहा है। और बाकी देख लीजिए यहीं गोपी तालाब के बहाना आपको काफ़ी सारी गाय उनके बछड़े दिखाई दे जाएंगे, तो यहाँ पे ना आप उनको चारा भी दान कर सकते हो, मतलब चारा खिला भी सकते हो। देखिए वहाँ पे एक छोटा सा काउंटर बना हुआ है जहाँ से चारा खरीद के आप इनको खिला सकते हो।
तो चलिए गोपी तालाब के भी दर्शन होगा। और बाकी हर किसी लोकेशन पे ना काफी छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर भी मौजूद होते हैं। अभी सभी मंदिर तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, इसलिए हो सकता है भाई कुछ मंदिर मिस भी हो गए हो, लेकिन मेन जितने मंदिर है, मेन जितनी लोकेशन है, वो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखा सकूँ। बाकी अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ बेट द्वारका, जो यहाँ से करीबन 22 किलोमीटर के आसपास है। तो जी स्वागत है आप सभी का सुदर्शन सेतु पे। ये देख लीजिए, ये पूरा सुदर्शन सेतु है। और इससे पहले बेट द्वारका जाना थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि बेट द्वारका जाने के लिए ना आपको स्टीमर वगैरह में बैठ के जाना पड़ता था, लेकिन अब बेट द्वारका जाना काफी आसान हो गया, क्योंकि 980 करोड़ की लागत से बना ये पुल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 25 फरवरी 2024 को इनॉग्रेट किया था। और क्या शानदार ये ब्रिज है भाई साहब, अट्रैक्शन पॉइंट बन गया है लोगों की ना। ये देखिए लोग खड़े हैं यहाँ पे सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, और इसके साथ में ना देखो वॉक करने का अलग से रास्ता यहाँ पे बनाया गया, ताकि हर कोई इस ब्रिज का ना एक्सपीरियंस ले सके। बाकी देखिए यार क्या शानदार ये ब्रिज है, वाओ मैन वाओ। और पूरी तरीके से समुद्र के ऊपर ये बना हुआ केबल ब्रिज भाई साहब, इंजीनियरिंग का एक अलग नमूना है, जिसको देख के यार मन से एक ही शब्द निकलता है, वाओ। तो जी मैं पहुंच चुका हूं बेट द्वारका, और बेट द्वारका की अगर हिस्ट्री के बारे में बात करी जाए, तो ऐसा माना जाता है भगवान श्री कृष्ण का जो मूल निवास था, जहां पर उनका महल हुआ करता था, वो ओरिजिनली यहीं बेट द्वारका में हुआ करता था। तो देख लीजिए भाई, मैं अभी पहुंच चुका हूं बेट द्वारका में, द्वारकाधीश मंदिर के बाहर। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं कि भाई बैग वगैरह रखने का, फोन वगैरह रखने का क्या सिस्टम है, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि वो सारी चीजें जमा होती है। वो सारा सिस्टम आपको बताता हूँ, फिर दर्शन करते हैं। बाकी देख लीजिए, अभी एंट्रेंस गेट के मंदिर के थोड़ा अंदर मैं आ गया हूँ। बाकी देख लीजिए यहाँ पे कुछ काउंटर मौजूद हैं। सबसे पहले ये है वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट, जो कि अभी न्यूली इनोग्रेट हुआ है। फर्स्ट विंडो जो आप देख रहे हैं ना, वो है फोन लॉकर रूम, जो कि 5 रुपये पर फोन के लेता है। और जो दूसरी विंडो आप देख रहे हैं ना, वो विंडो है बैग रखने के लिए लॉकर रूम, जो कि 10 रुपये पर बैग के लेता है। तो आप अपने फ़ोन वगैरह और बैग वगैरह यहाँ पर जमा करवा सकते हैं। बाकी देख लीजिए पूरा कुछ ऐसा ये कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे शायद मे बी कैंटीन वगैरह यहाँ पे लिखा तो हुआ है, निःशुल्क भोजनालय, लेकिन बंद है अभी। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है मेन एंट्रेंस, मतलब एक तरीके से यहाँ से लाइन शुरू होती है मंदिर के लिए। तो चलिए पहले फोन वगैरह जमा कराते हैं, बैग वगैरह जमा कराते हैं, लाइन में लगते हैं, दर्शन करते हैं और फिर बाकी बातें करते हैं। और बाकी देख लीजिए, ये सामने आप जो कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं ना, ये है द्वारकाधीश का मेन मंदिर। तो जी दर्शन करके मैं आ गया, और हार्डली 15 मिनट लगे दर्शन करने में। मुझे लग रहा था करीबन 1-1.5 घंटा तो आराम से लग जाने वाला है, लेकिन 15 मिनट में आसानी से दर्शन हो गए, काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए। बाकी देखिए अभी मैं पहुँच गया हूँ श्री गोल्डन द्वारका होली पैलेस, यानी सोने की द्वारका। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या मौजूद है। और बाकी देख लो भाई, ये है सोने की द्वारका पावन धाम। देखो यार कितना अच्छा बना रखा है, दो दो हाथी खड़े हैं, और ये गोल्डन कलर जो दिया है ना, देखो कितना शानदार लग रहा है। तो देख लीजिए अभी हम आ चुके हैं सोने की द्वारका के अंदर, जिसके अंदर आने के लिए हमें ये टिकट कॉस्ट देना पड़ा, जो कि है 40 रुपये का। तो चलिए देखते हैं कि भाई सोने की द्वारका में क्या क्या चीज़ें मौजूद है, और आपको भी दिखाते हैं। काफ़ी सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। और बाकी देखिए श्री कृष्ण भगवान का जब कारावास में जन्म हुआ था ना, वो यहाँ पे शो करा हुआ है। चलिए देखते हैं, कुछ कुछ झांके यहाँ पे मौजूद हैं, सारी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। वासुदेव जी जब यमुना पार करके कृष्ण जी को लेके जा रहे थे, यहाँ पे वो मूर्ति दिखाई हुई है। पूतना का वध करते हुए कान्हा जी की यहाँ पे देखिए एक प्रतिमा बनी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए अपने बाल मित्रों के साथ खेलते हुए एक प्रतिमा है। माखन चुराते हुए, माखन खाते हुए यहाँ पे ये पूरा पिक्चर शो करा हुआ है। ये देखिए इधर है कालिया दमन, बाकी कंस वध यहाँ पे है। तो उनकी लाइफ की जितनी भी पूरी चीज़ें हैं ना, वो यहाँ पर दर्शाने की कोशिश करी हुई है। बेसिकली आप कभी जन्माष्टमी में जाते हो ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की झांकियाँ देखते हो, तो उसी टाइप की झांकियाँ यहाँ पर दिखा रखी हैं पिक्चर्स की फॉर्म में। और बाकी जैसे मंदिर से थोड़ा दूर आप आते हैं ना, ये पूरा एरिया देखिए यार कितने अच्छे से बनाया गया है। इसको देखो, रोड कितनी अच्छी बना रखी है, देख रहे हो। लेकिन मंदिर के आसपास का जो कॉम्प्लेक्स एरिया है ना, वो थोड़ा सा अभी अंडर डेवलप है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलोगे ना, रोड वगैरह अच्छी बना रखी है। इवन यहाँ पे ना काफी बड़ी पार्किंग भी मौजूद है। तो बेट द्वारका के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। मंदिर में फोन ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए वहाँ के दर्शन अंदर से मैं आपको नहीं करवा पाया। वैसे टाइम अभी हो गया 5:50, मैंने जो पूरा टूर है ना 12 बजे चालू करा था, तो लगभग होने को है।
और यहाँ पे ना एक मंदिर और फेमस है जो कि हनुमान दांडी के नाम से जाना जाता है। और अभी भाई क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया, ऑलरेडी 6 बज चुके हैं, और क्योंकि अभी मुझे यहाँ से द्वारका भी वापस जाना है जिसमें करीबन 1 घंटा लग जाएगा क्योंकि यहाँ से 35 किलोमीटर के आसपास द्वारका है, तो वहाँ पे मैं अभी दर्शन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप आ रहे हैं, टाइम आपके पास है, तो हनुमान दांडी में हनुमान जी के दर्शन भी आप कर सकते हैं। हाँ, बाकी ऑन द वे यानी कि बेट द्वारका से द्वारका के बीच में एक फेमस बीच पड़ता है जिसको कि शिवराजपुर बीच के नाम से भी जाना जाता है, तो कोशिश करूंगा कि वो बीच भी आपको दिखा दूं अगर टाइम बचा तो। नहीं तो सीधा फिर यहाँ से निकलेंगे द्वारका। एक्चुअली मैं कल मॉर्निंग में मेरी ट्रेन है वंदे भारत अहमदाबाद के लिए जो कि सुबह सुबह यहाँ से 4 बजे निकलती है, तो अभी मुझे होटल पहुँच के थोड़ा बहुत आराम भी करना पड़ेगा क्योंकि पूरा दिन मैं घूम के थक गया हूँ। ये जर्नी मैंने स्टार्ट करी थी 12 बजे और अभी जैसे मैंने आपको बताया टाइम 6 बज चुके हैं, तो ऑलमोस्ट 6 घंटे मुझे लग गए ये पूरा ट्रिप करने में। तो अगर आपके पास एक दिन है पूरा तो ऑलमोस्ट आप पूरा द्वारका घूम सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको सुबह से अपना टूर स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं जब बीच साइड गया था ना द्वारका बीच, तो मैंने वहाँ पे काफ़ी टाइम थोड़ा वेस्ट कर दिया था। अच्छा लग रहा था तो 2-2.5 घंटे मैं वहाँ पे बैठ गया था, घूमने लग गया था, तो अगर वो टाइम मैंने वेस्ट नहीं करा होता तो जितनी लोकेशन मेरी मिस हो गई है ना मैं वो भी घूम सकता था। अभी तो द्वारका के पास में यानी द्वारका से 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में जो मंदिर है वो तो मैं घूमा ही नहीं हूँ, लेकिन वो आसपास है वो तो आप खुद भी घूम सकते हो। मेरा मोटिव ये था कि आपको एक सर्किट बना के दिखाऊं और जो दूर दूर मंदिर है उनके दर्शन आपको करवा दूं। और सबसे बड़ी बात कि भाई मेन जो मंदिर था वो था द्वारकाधीश, दूसरा मेन मंदिर था नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और तीसरा मेन मंदिर था ये बेट द्वारका का द्वारकाधीश मंदिर। तो मेरा मेन मोटिव ये था कि एटलीस्ट ये तो कवर करूं, आसपास जो मंदिर है वो कभी दोबारा आएंगे तब भी घूम सकते हैं। तो चलिए फिलहाल यहां से निकलते हैं, टाइम मिलेगा तो शिवराजपुर बीच आपको घुमा दूंगा, नहीं तो सीधा मुलाकात करते हैं अब द्वारका में। और क्योंकि शाम हो चुकी होती है तो इस वजह से शिवराजपुर बीच ना जाते हुए मैं सीधा द्वारका की तरफ निकल, मेरा नॉर्थ इंडियन थाली खाने का मन करता है इसलिए मैं यहाँ पुरुषोत्तम पंजाबी रेस्टोरेंट में नॉर्थ इंडियन थाली ट्राई करता हूँ। इसके अलावा अगर आप गुजराती फूड यहाँ पर ट्राई करना चाहते हैं तो भद्रकाली चौक के पास ही सिचुएटेड श्रीनाथ होटल में आप गुजराती थाली ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए द्वारका का टूर होता है यहाँ पे फिनिश, और क्योंकि भाई शाम हो चुकी है इसलिए द्वारका के आसपास यानी 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में जो मंदिर थे ना वो तो मैं आपको नहीं घुमा पाया। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उन मंदिर के दर्शन भी कर लेंगे। हाँ, लेकिन डिटेल मैंने आपको सारी दे दी है कि भाई द्वारका से दूर कौन कौन से मंदिर सिचुएटेड है जो कि मोस्टली मैंने आपको घुमा भी दिया, और द्वारका के पास में कौन कौन से मंदिर मौजूद हैं जिनको आप घूम सकते, तो सारी डिटेल ऑलमोस्ट मैंने आपको दे दी है। बाकी चलो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। तो सबसे ऊपर देखिए द्वारकाधीश मंदिर का टाइमिंग यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि आरती का टाइम यहाँ पे मेंशन है 6:30 बजे, और 6:30 बजे से ही मंदिर ओपन होता है। उसके बाद श्रृंगार आरती 10:30 बजे, राजभोग 12 बजे और दर्शन विराम 1 बजे, यानी कि 1 बजे मंदिर बंद हो जाता है। उसके बाद मंदिर दोबारा ओपन होता है 5 बजे, शाम को आरती होती है 7:30 बजे और शयन आरती होती है 8:30 बजे, और 9:30 बजे हो जाता है मंदिर क्लोज। बाकी देख लीजिए द्वारका के पास के जो दर्शनीय स्थल है उसमें इंक्लूड है नागेश्वर महादेव, गोपी तालाब, बेट द्वारका, रुक्मणी मंदिर, शिवराजपुर बीच और मोमई मंदिर। ये सारी वो लोकेशन है जो द्वारका से करीबन 15 से 30 किलोमीटर के रेडियस पे सिचुएटेड है। अब आते हैं द्वारका शहर के अंदर देखने लायक कौन कौन से स्थान है, तो वो है सबसे महत्वपूर्ण द्वारकाधीश मंदिर, उसके बाद सिद्धनाथ महादेव, भड़केश्वर महादेव, गीता मंदिर, गायत्री मंदिर, सनसेट पॉइंट और त्रिलोक आर्ट गैलरी। तो चलिए द्वारका के इस कंप्लीट टूर की वीडियो को करते हैं यहीं पे फिनिश, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय द्वारकाधीश टू ऑल।